हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में स्ट्रिंग इनबिल्ट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इन फंक्शंस का यूज करके आप स्ट्रिंग्स मैनिपुलेट कर सकते हैं। इन फंक्शंस को यूज करने के लिए आपको अपने प्रोग्राम में string.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा, क्योंकि ये सभी फंक्शन इस string.h हेडर फाइल में ही पाए जाएंगे, यानी कि आपको इंक्लूड मिलेंगे। अब हम इन स्ट्रिंग फंक्शंस को देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास strcpy। अगर आप किसी स्ट्रिंग को किसी स्ट्रिंग में कॉपी करना चाहते हैं तो आप वहां पे strcpy फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इस फंक्शन में एज अ पैरामीटर आपको दो स्ट्रिंग पास करनी होंगी, s1, s2। ये s2 जो भी स्ट्रिंग होगा वो s1 में कॉपी हो जाएगा और s2 जो है वो एज इट इज रहेगा। उसके बाद आप सेमीकॉलन लगाएंगे। इट कॉपीज द स्ट्रिंग s2 इनटू द स्ट्रिंग s1। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंग कैट फंक्शन। अगर आप एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं, तो हम वहां पर strcat फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे भी आपको एज अ पैरामीटर दो स्ट्रिंग्स चाहिए, s1, s2। s2 वो स्ट्रिंग है जो आप s1 के साथ जोड़ना चाहते हैं। लाइक मेरे पास एक नाम है श्वेता अरोड़ा, और मैंने फर्स्ट s1 दे दिया श्वेता और s2 में दे दिया अरोड़ा। अब मैं इन दोनों को एक साथ लिखना चाहती हूँ, तो मैं वहां पर strcat फंक्शन का यूज करूंगी। यहाँ पे मैं दूंगी श्वेता और कॉमा लगा के दूंगी अरोड़ा, तो ये क्या करेगा, रिजल्ट हमें इकट्ठा देगा श्वेता अरोड़ा। इट्स कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग s2 ऑन टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग s1। नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ। अगर आप किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप वहां पे strlen फंक्शन का यूज कर सकते हैं, और एज अ पैरामीटर आप वहां पे वो स्ट्रिंग देंगे जिसकी लेंथ आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, देन सेमीकॉलन। इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग s1। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास strcmp, यानी कि अगर आप दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो आप वहां पे strcmp फंक्शन का यूज करेंगे। एज अ पैरामीटर आप इसमें दो स्ट्रिंग्स पास करेंगे जिन्हें आप कंपेयर करना चाहते हैं, देन सेमीकॉलन। इट कंपेयर्स टू स्ट्रिंग्स एंड रिटर्न्स 0 इफ s1 एंड s2 स्ट्रिंग्स आर द सेम, एंड रिटर्न्स लेस देन 0 नंबर इफ s1 स्ट्रिंग इज लेस देन s2, एंड रिटर्न्स ग्रेटर देन 0 नंबर इफ s1 स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन s2 स्ट्रिंग। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास strchr। strchr क्या करता है, अगर आप किसी पर्टिकुलर करेक्टर का अकरेंस यानी कि सर्च करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, तो आप वहां पे strchr फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, आप s1 में एक स्ट्रिंग पास करेंगे और s2 में आप वो करेक्टर पास करेंगे जिसे आप इस स्ट्रिंग में सर्च करना चाहते हैं, एंड इट रिटर्न्स अ पॉइंटर टू द फर्स्ट अकरेंस ऑफ करेक्टर इन स्ट्रिंग s1। अगर आप एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में सर्च करना चाहते हैं तो आप वहां पे str फंक्शन का यूज करेंगे, और यहाँ पर आप दो स्ट्रिंग देंगे, s1 वो स्ट्रिंग है जिसमें आप सर्च कर रहे हैं और s2 वो स्ट्रिंग है जिसे आप s1 में सर्च कर रहे हैं। इट रिटर्न्स द फर्स्ट अकरेंस ऑफ s2 इन स्ट्रिंग s1। ये फंक्शन आपको s2 स्ट्रिंग s1 में कहाँ पर फर्स्ट अकरेंस देगी वहां पर आपको पॉइंटर लोकेट करके देगा। ये थे हमारे स्ट्रिंग फंक्शंस। अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू इन स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज करेंगे।